सब कुछ ठीक है ना? थक गए हो? माउंटेन सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, सारी सिकनेस एक साथ। और कुछ जो बचा कुछ आओ? अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। गर्दन 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 रह गई अभी? गर्दन तो राइट साइड खिड़की से बाहर निकालने की दर्द है, वो तो जिंदगी भर के लिए अभी है। अच्छा गुड मॉर्निंग दोस्तों, 10 भी उठे हुए और टाइम हो रहा है करीबन 6:30। और देखिए कितना जबरदस्त नजारा है। और रात को नींद तो बहुत मस्त आई, बट यहाँ पर कुछ जानवर आने रहा है, उसकी तो नींद खुल गई थी क्योंकि उसने हमारा जो बर्तन वर्तन हमें कुछ बाहर रखे गाड़ी के नीचे, तो बर्तन शर्तन नहीं लाए, तो बस उसकी उस आवाज़ से नींद खुली और उसके बाद नींद आना बहुत टफ पड़ा। करीबन 2 बजे की आसपास की बात है, 11 बजे को हम लोग सोए पड़े थे। 11 से 2 बजे तक नींद अच्छी आती आई, उसके बाद थोड़ा सोने में थोड़ी दिक्कत ही हुई क्योंकि नींद खुल जा रही थी बार बार पे। और दूसरा, नदी की जो आवाज़ जस्ट नीचे हमारे पीछे बैक साइड में नदी है, उसकी आवाज़ इतनी तगड़ी थी कि नींद आ नहीं पा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल जैसे जैसे नींद आई इसमें मॉर्निंग के टाइम पे, और व्यू देखिए कितना जबरदस्त दिख रहा है यहाँ से। सबसे फर्स्ट हमारी कैंपिंग की लोकेशन देखिए, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है। ये एक टेंट है और एक टेंट ये है, तो 2 लोग उस पर सोए थे, 3 लोग इस पर सोए थे, दोनों बड़े टेंट है। और यहाँ का नज़ारे देखिए, जस्ट नीचे बैक साइड पर इसकी नदी है और यहाँ से ऊपर का बादल देखिए और व्यू देखिए। बस सच बताऊँ तो बहुत अच्छी लोकेशन मिल गई हमें। बस रात को यहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो चुका था, करीबन 8 बज चुका था, तो यहाँ पे हमें लोकेशन ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है आगे को। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे हुए थे पानी वानी के लिए, क्योंकि हमने कहा पानी वानी भर लेते, इसके जस्ट थोड़ा सा आगे पे वाटरफॉल भी एक थोड़ा सा, तो वहाँ से पानी वानी भरने के रुके। तो हमने पूछा यहाँ पर लोकेशन है करके, तो उन्होंने कहा एक लोकेशन यहाँ पर है, यहाँ जानवर वानवर वाला जगह, मतलब बांधने बूंदने वाला जगह घोड़े वाले टाइप का, तो यहाँ पर रुके। तो यहाँ पर जगह अच्छी लगी तो हम लोगों ने यहीं पर रेस्ट किया। यहाँ पर सब कुछ सेटअप लग चुका है नाश्ता बनने के लिए। नाश्ता बना रहे हो? चाय बना रहे हो? चाय। आपको तो हमारा सब सामान खुला हुआ, सब गाड़ी के अंदर पैक कर दिया था, जो चेयर्स वेयर सब पैक था हमारा, सिर्फ गैस स्टोव तो टेंट के अंदर रखा हुआ था मैं साइड पे। और इस व्यू में बैठ के हम चाय वाय पियेंगे फर्स्ट क्लास तरीके से। अभी चाय वाय के साथ में ड्रोन शॉट लेते हैं कुछ चाय वाय बनने तक। तो यहाँ पे अभी हमने चाय वाय पी, अब सब यहाँ का टेंट वेंट हमने कल लगाया हुआ था, सब पैकिंग चल रही है, तो सब लोग भी पैक कर रहे हैं, उस टेंट को हम लोग पैक करते हैं, पहले ये करते हैं फिर उसको करते हैं। तो आप लोग जगह देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है, जहाँ पे हम लोगों ने टेंट वेंट लगाया था, जहाँ पे खाना वाला बनाया था सब साफ कर चुके हैं, जो भी हमारा कूड़ा कचरा था, बल्कि जो आसपास में कूड़ा कचरा फैला हुआ था वो भी हमने ला के जला दिया। तो इस काम का श्रेय जाता है अरविंद और मनीष, ये दोनों को जाता है। ये क्या डाला भाई साहब? ये क्या था भाई साहब? भाई साहब कला था आपने भी कुछ ढूंढ के लाए थे अभी आप कहीं से? कैमरा है ना, काम करने लग गया हुआ। भाई साहब ने हमारे कुकिंग के सामान वामान सब पैक कर चुके हैं, और हमारे कप्तान साहब, हमारे अमित देओल साहब सब सामान पैक करने में लगे हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि कल जो भी हुआ हमारा सामान से एडजस्ट नहीं हुआ, तो आज वो अपने तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से आगे को। वैसे प्लान हो रहा है पंचाजोली जाने का, बट बता रहे हैं कि रोड बंद है, हम भी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी आए तो उससे हमें पता लगे रोड बंद है या खुली है। अदरवाइज अभी एक यहाँ पे एक नारायण आश्रम है, इस रूट से होते हुए जाता है, सामने जो ब्रिज दिख रहा है आपको, वो ब्रिज से होते हुए इस रूट से होते हुए जाएंगे नारायण आश्रम को, तो या वहाँ जाएंगे या पंचाजोली जाएंगे वो थोड़ी देर में कन्फर्म होगा, क्योंकि गाड़ी वाड़ी आती है तो उसके बाद ही कन्फर्म हो पाएगा। अदरवाइज देखो क्या सीन बनता है, क्या प्लान बनता है। रोड बंद थी तो कल हमने इस यहीं पर करा, गाड़ी हो चुकी है पूरी फुली पैक, डिग्गी होती है पूरी फुली पैक हो चुकी है, मतलब कहीं से कहीं तक कोई जगह नहीं है। और जगह है क्या अभी सामान और बोला है? और क्या बचा है? अबे तो स्टूल तो छोड़ दिए यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ, जो भी सामान वामान कचरा बचा था सब हमने ड्राई खत्म कर दिया, और जो भी सामान था हम सब गाड़ी में पैक कर दिया, तो सर गाड़ी मोड़ लें, उसके बाद वो सामने पे नाश्ता वास्ता बनाने के बोल रखा है, तो वहाँ नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं पंचाजोली या फिर नारायण आश्रम, जहाँ भी रोड खुली होगी उस रोड की तरफ को निकलते हैं। और देखिए जबरदस्त वाटरफॉल है यहाँ पे, ये देखिए तगड़ा वाला, मतलब काफ़ी जबरदस्त है, मतलब मज़ा आ गया। अगर ड्रोन शॉट यहाँ लिया है तो और जबरदस्त आता। तूफानी करते हुए शाबाश अरविंद, शाबाश, यू कैन डू इट। यहाँ पे हमारा नाश्ता आ चुका है, देखिए हल्का हल्का सब्जी है, रायता है, पराठे हैं, और साथ पे अंडा भुजी है। कैसा हो रहा बस? बढ़िया लगा, बढ़िया। तो हम भी करते हैं नाश्ता। क्या बात सर, वापस क्यों, वापस क्यों आ गए सर? रास्ता बंद है क्या? उधर की तरफ रास्ता बंद है। अच्छा अच्छा, अब इधर धर्मा वैली निकल जाते हैं, पहले सोच रहे थे नारायण आश्रम जाएंगे। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया।
बड़ी मुशक्कत के बाद करीबन 9:15 के आसपास हम लोग निकले अपने पंचाजुली की ओर को। अभी रोड खुली है बता रहे हैं तो वहीं के निकल रहे हैं और देखते हैं सर क्या कहते हैं। ये मतलब कह रहे हैं कि मैं पहुँचाऊंगा ही नहीं तो तुम निकलोगे कैसे वापस? टिडांग जाना ठहरा फिर आज टिडांग जाने की उम्मीद में है। अभी गाड़ी से हाईजैक कर लिया गया हमें गाड़ी के साथ सबको, हम सबको हाईजैक किया कर लिया गया है। ये पीले कपड़े वाले शख्स ने किया है। और देखिए यहाँ पे कुछ शॉट हमने 360 से भी लिए और देखिए कितनी खतरनाक रोड दिखी। मतलब थोड़ी सी सिंगल गाड़ी जितनी रोड है और नीचे पूरी खाई है। मतलब देखिए कितना रिस्की इस रोड से चलना। और जो रोड ब्लॉक थी शायद यहीं पर थी, आगे एक पूरा दोबारा फंस चुकी है। ये पॉइंट होगा जो ब्लॉक था, तो देख रहे हो पत्थर देखिए तगड़ा सा है। मतलब रोड बिल्कुल सकरी सी, यहाँ पे पत्थर उठे हुए हैं बीच बीच में। फिर रुके हम लोग जेसीबी की खुदाई देखने को फिर से। हर बार हमें जेसीबी की खुदाई देखने का मौका मिलता है, इस बार भी हमें मौका मिला और हमने देखी जेसीबी की खुदाई जम के। आप लोग भी इंजॉय करिए जेसीबी की खुदाई। और ये वही चढ़ाई जहाँ पे लास्ट टाइम हमारी गाड़ी फंसी हुई थी, इसी चढ़ाई में हमारी गाड़ी भी फंसी थी और शायद ये बुलेरो भी फंस चुकी है। क्या गाड़ी फंस गई क्या? जेसीबी इसी गाड़ी को निकालने आ रहा है यहाँ पे। अभी निकल जाएगी यहाँ तक। बड़े भयंकर घुस गया दादी। और ये देखिए वाटरफॉल, इस पर सब गाड़ी धुआं चाहते हैं। आप इस रोड को देख के समझ सकते हैं कि इस रोड की हालत क्या बुरी है। मतलब अपनी गाड़ी नहीं लाया, ये बहुत अच्छा काम किया मैंने। अगर लाया होता तो कई सारी जगहों में मेरी गाड़ी लग चुकी होती, क्योंकि फॉर्च्यूनर का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी होता है, बट फॉर्च्यूनर भी लग रही थी रास्ते पर। और तो सब ठीक है, इतना बड़ा ट्रक फंस चुका है रास्ते पे, तो उसको निकलने के लिए अब रुकना पड़ेगा यहाँ पे काफ़ी देर। हमने पे गाड़ी पे फोर बाई फोर लगाया था और कीचड़ी तो तगड़ा वाला हुआ है यहाँ पीछे कि जस्ट फॉर्च्यूनर तक फंसने वाली थी। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखिए कितना तगड़ा है, उसके बाद भी गाड़ी नीचे लग रही है। कई जगह पर ऐसा हुआ गाड़ी से घर घर लग रही है। और देखिए जैसे ये है इस जगह पर, अब दोनों साइड जाएगा तो बीच का हिस्सा जो है गाड़ी के नीचे लग सकता है। ये हो रहा है इसमें चक्कर। अभी तो साला इतना बड़ा ट्रक फंस चुका है, अब देखो कितना टाइम लगता है इसको निकलने में। सामने टायर में वेट आ जाएगा तो यहाँ पे अपने पार्टनर लोग सब धक्का लगाने में लगे हुए हैं। अरविंद लगा हुआ है और मनीष बॉस भी लगे हुए हैं। तो ट्रक में निकल नहीं पा रहा है, ये टायर ऑन हो गया है। यहाँ लोड होने ट्रक का सब उत्साहित जा चुका है, जिसके लिए ट्रक फंस चुका है। मतलब यहाँ के ट्रक वालों को अपनी रस्सी वस्सी भी नहीं होती रेस्क्यू करने के लिए, तो ये हमारी रोप पड़ी हुई थी हमारी गाड़ी पे, तो उन्होंने अभी दी रस्सी, तो एक ट्रक आ रहा है साइड ट्रक निकाले, तो यहाँ पे ये ट्रक इस ट्रक को निकाल रहा है। कप्तान साहब रूट देख लो अपना। ए लड़को ये छोटा छोटा पत्थर इसमें भर देते हैं, हम तो पहले ही देंगे। अपना ट्रक निकल जाएगा आराम से, आपको टेंशन ले रहे हो तुम लोग यार। ये निकली हमारी नागिन बिल्कुल आराम से, कम्फर्टली निकल गई आराम से। मौसम देखिए और यहाँ से दिखा वीडियो बना रहे हैं, देखो पहला ग्लेशियर का व्यू तो हल्का फुल्का बर्फ फ्रेश फ्रेश ब्लॉक पड़ी है पहाड़ियों के ऊपर पे, वही दिख रही है अभी। वहाँ पे धुंध धुंध भी जमी हुई है, फ्रेश फ्रेश बर्फ। तो जस्ट यहाँ पे रोड दो दिन से बंद थी, जो जस्ट हमारे पहुँचते ही खुली और काफ़ी अच्छा लगा। टिडांग जाना, टिडांग जाना है हमारे कप्तान साहब को। टिडांग मिशन, टिडांग
और देख सकते हैं अभी कैसे लग रहे हैं एलियन वियर टाइप का पहना हुआ है इनने कुछ दादी कुछ नहीं दिख रहा है आज सर बिल्कुल लड़कियों की तरह गाड़ी चला रहे हैं हैंडल में चढ़ के हैंडल के ऊपर बैठ के तो यहाँ पे थोड़ा खुला सा रास्ता मिला तो हमने कहा क्यों ना एक ड्रोन शॉट भी ले आ जाए क्योंकि यहाँ पे जो व्यू था बहुत जबरदस्त दिख रहा था दुकान पे मिल जाएगा खाना हाँ ये, ऐसे करके बैंड जो है ये चुट्टा की दुकान लास्ट टाइम वाली तू यहाँ पे पहुँच चुका है अभी यहाँ पे सब जो भी मार्केट है पूरी बंद है यहाँ वाले लोग सब खेती वेती का काम करें खेतों पे गए हुए हैं तो अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं कि तीदांग नाम की जगह है वो जगह हमने घूमनी भी है क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहीं से हम वापस चले गए थे जीरो पॉइंट तक गए ऊपर उसके बाद वापस चले गए थे इसके बाद आगे को घूम नहीं पाए थे तो आज इस बार प्लान है हमारा आगे घूमने का तीदांग तक तो वहाँ जाते हैं वहाँ का व्यू दिखाते हैं और खाने वाना कुछ मिलता है तो खाना वाना भी खाते हैं वरना वही अपना खुद ही बनाना पड़ेगा मैगी वैगी बनानी पड़ेगी है ना सर ऐसे ही हुआ ठहरा फिर ऐसा ही ठहरा फिर तो यहाँ से दिखा पंचायत का व्यू तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है मतलब मज़ा आ गया बिल्कुल वाइट दिख रहा है और इस बार तो शायद ग्लेशियर बहुत नीचे तक भी दिख रहा है एक महान भाव ये भी है ये लास्ट में उतर रहे गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ के आ रहे भाई साहब वाह वाह भाई साहब वाह और ये पहुंच चुके हम तीदांग पे तो लास्ट है पंचचूली पे लास्ट पॉइंट है ये है तीदांग क्या कह रहे हैं कुछ है आगे यहाँ अरे बाप रे मार्चा ये पहुंचे हम टीडांग कुंज के टीडांग द रोड रोड एंड सेयर हवास यही चीज झूठ खाओगे तुम लोग हवास पहुंच चुके हैं टीडांग पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम कुंज के टीडांग तो काफी अच्छी जगह लग रही है काफी अच्छा व्यू है यहाँ पर सर चारों तरफ ग्लेशियर है पूरा गाड़ी खड़ी करी है यहाँ से आगे को जाते हुए वो सामने पे एक ट्रैक रास्ता दिख रहा है तो वहाँ से होते हुए आगे सीवी गांव पड़ता है उसके बाद एक पार्वती कुंड है बट वहाँ पर जाने के लिए 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा जो एग्जैक्ट जो ट्रैकिंग का डिस्टेंस है वो यहाँ के जो लोग हैं उनको पता नहीं है तो अगर पता होता फिर देख सोचते कुछ अब पता ही नहीं तो मतलब जाने में कोई रिस्की है मतलब काफ़ी ज़्यादा आई लव दारमा यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करते हैं अरे क्या फोटो जो भी खाने वाने वाला कुछ बनता है मालपानी कुछ खाते पीते हैं और यहाँ पे वही भोजपत्र का पेड़ पॉइंट टाइम पे बिल्कुल इसी पे लिखा हुआ करते थे जो खतवत भेजते थे बड़े बड़े राजा लोग वगैरह वो इसी पे भेजा करते थे कांड करने वाले आदमी भी होते हैं यहाँ चढ़िया है वहाँ से सोच रहा है वहाँ जाकर बैठूँ मैं अगर गिरता तो इसके दांत भी निकल सकते हैं अभी देखते हैं दांत निकलते हैं या ये बचता है आराम से बचता आराम से हाँ जा रहे बहुत जबरदस्त वाला है यहाँ पे वो देखिए वो सामने पे जाना है हमने अभी कौन सा गाने किस तो यहाँ पे जस्ट नीचे हमने गाड़ी खड़ी और यहाँ से वो सामने पे होम स्टे होगा इनका तो वहाँ पे हमारा खाने वाने की व्यवस्था होम स्टे पे करी गई है और यहाँ से नज़ारे हैं बहुत जबरदस्त है अगर खाना खाने का हमें इस जगह पे मिलता तो और जबरदस्त यहाँ से टाइमलेस बना के हम टाइपर टाइपर सब ले गए हैं बट अब घर पर बना रहे अगर वहाँ से व्यू अच्छा मिलेगा तो वहाँ से भी टाइमलेस बनाएंगे अदरवाइज फिर देखते हैं कुछ ऑप्शन बचता है तो हाँ हुई है हमारी खाने की व्यवस्था होम स्टे पे वाह अरे वाह यहाँ तो हमारे कैमरामैन लगे हुए हैं भाकड़ अंदाज में आज बिल्कुल गांव वाला फील आ रहा है ये कैसे करके यहाँ पे जोसुरियामा का मंदिर बनाया हुआ है तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग जोसुरियामा के पास मिलने के लिए क्या पिता कुछ दान दक्षिणा मिली जाए हैं सर किसको गोद लेना था मुझको आपको गोद लेना हमने चलो मैं यहीं दे जाऊँगा यह जोसुरियामा का मंदिर देखो सब कुछ ठीक है ना थक गया यार।
थक गए हो? माउंटेन सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, सारी सिकनेस एक साथ हो। और कुछ जो बचा कुछ आओ? अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। गर्दन 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 रह गई अभी? गर्दन तो राइट साइड खिड़की से बाहर निकालने की दर्द है, वो तो जिंदगी भर के लिए अभी है। अच्छा जसूली देवी जिनका स्टैचू बनाया हुआ है, उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे जब इनका पैसा वैसा बहुत होगा पहले का, तो ये सब पैसा अपना नदी में बहा रही थी, जो भी सोना चाहिए जो भी था इनका सब नदी में बहा रही थी। तो कुछ अंग्रेज मिले इनको, तो उनने कहा कि ऐसा पैसा भाव मत, हम आपके नाम की धर्मशालाएं बनाएंगे पूरे कुमाऊं में। तो इनके नाम की काफ़ी जगहों में धर्मशाला है, तो इसलिए यहाँ पर इनको बहुत माना जाता है। ट्रिलांग को जाते हुए हमने यहाँ पे एक लोकेशन देखी थी कैंपिंग के लिए, तो वो लोकेशन देखते हैं जो जस्ट यहाँ पर से राइट साइड में को है। तो वहाँ पर देखते हैं कि क्या है, कैंपिंग लगाने की व्यवस्था है भी या नहीं वहाँ पे। अगर यहाँ पे कैंपिंग लगाने का सही होता है तो ठीक है, अदरवाइज हमने एक लोकेशन और देखी है, बट वो पूरा खुले में, मतलब पूरा मैदान टाइप का उस जगह पर है। तो देखते हैं यहाँ पर सही होता है तो यहाँ पर करते हैं, अदरवाइज दूसरी जगह पर जाएंगे। एक लोकेशन मिली हमें कैंपिंग की, तो जो किसी पे जो काम कर रहे हैं ये लोग, वो खाली टाइम पास कर रहे हैं। वो यहाँ पे कैंपिंग लोकेशन है हमारी, वो थोड़ी देर अभी कर रहे हैं उस टाइम पास। देखो जब तो काम स्टार्ट होगा फिर नहीं करेंगे, हमने गाड़ी के अंदर भी भरना शुरू कर दिया सब कुछ। और यहाँ से व्यू देखिए कितना जबरदस्त दिख रहा है, वो सामने पंचाचूली पर्वत दिख रहा है इस तरीके से, देखिए ये देखिए जस्ट यहाँ पे पंचाचूली पर्वत है पूरा। तो यहाँ पे हमारा कैंपिंग बनेगा पूरा, गाड़ी यहाँ लग चुकी है, और जस्ट यहाँ पीछे ब्रिज है, इस पर भी ड्रोन शॉट लेंगे, ब्रिज पे जाके नीचे नदी है, तो यहाँ पे सब कुछ बहुत जबरदस्त है, तो यहाँ मजा आ जाएगा। पास कर रहे हैं, देखो नीचे भी टच नहीं हो रहा, उखाड़ना चाह रहे हैं उसको, टच भी नीचे नहीं हो रहा भाई साहब। देखो जरा ये देखो काम, देखो हाथ से छोड़ के इधर ना मार देना। अरे भाई साहब ये है, ये अपने कुर्सी और टेबल निकाला और बैठ गए फर्स्ट क्लास है सर। अभी तो सांस वांस लेने में दिक्कत भी हो रही है आपको ना? थोड़ी हो रही। एक टेंट में थोड़ा बहुत वैसे लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अभी बाकी जो एडजस्टमेंट होगा सब कुछ थोड़ा आधे राउंड की बात करेंगे, बाकी चीज़ें बैठने को वहाँ लगी हुई है, सामान वामान सब यहीं फैला हुआ है, ये भी सोने का इंतजाम कर रहे हैं। एक बंदा सो चुका है हमारा गाड़ी के अंदर। काम तो हम लोगों को कैंपिंग इस जगह पे करने का, बट यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, तो अब शिफ्ट करके वो आगे साइड ले जा रहे हैं, कहीं साइड पे बनाते हैं अब कैंपिंग का दोबारा जुगाड़, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, और साइड पर नहीं चली तो बेस्ट रहेगा। सही है वहाँ पे लोकेशन यहाँ पे हो गया हमारी। एक टेंट टेंट हुआ था वो वैसे उठा के लाए, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ढलान है, अब देखते हैं इस जगह पे लगाते हैं यहाँ पे लगाते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाने की, थोड़ा इनको लगाने देते हैं, टाइम पास करने देते हैं, उसके बाद टेंट उठा के यहाँ रख दूंगा मैं तो अपना। भाई साहब इसका दरवाजा किधर है? यहाँ पे ऑयलिंग नई तरीके से लगा रहे हैं, बीच में खाना बनाने के लगा रहे हैं, सिर्फ दो साइड टेंट रहेंगे, बीच में ऑयलिंग रहेंगे सिर्फ खाना बनाने के लिए। अरे मनीष बहुत शांति स्तूपा बन चुके हैं यहाँ पे। कप्तान साहब कहाँ मान रहे हो उसको आप? अरे पकड़ो यार तुम, कहीं बांध मत देना, नहीं गार्ड लगा देना तुम इसमें, तुम भाई साहब गार्ड भी बहुत तकड़ी लगा दे रहे हो, है ना सर? अब उठाना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पे हमारे तीन साथी तेल और जो वेज वाले उनके लिए सब्जी वब्जी लाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि हम लोग अपना सामान लेके आए थे नॉन वेज, क्योंकि पहले हमारा प्लान था एक दिन का, बट यहाँ पे रोड बंद होने से हमारा प्लान दो दिन का बन चुका था। तो इतने में बाहर बैठा हुआ था और देखा मैंने कि एक बाबा यहाँ पे पत्थर के ऊपर एक पैर में खड़े होकर तपस्या टाइप की कुछ कर रहे थे, अपनी पूजा वूजा कर रहे थे। तो मैंने कहा पास जाके वीडियो बनाना तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने ड्रोन भेजा और ड्रोन से वीडियो बनाया, और देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से पूजा कर रहे हैं, मतलब एक पैर में खड़े होकर, और सर पे इनने अपनी अगरबत्तियाँ जलाई हुई हैं वो भी जलती हुई, उनसे देखिए धुआं भी निकल रहा है, मतलब इनको इस तरीके से पूजा करते हुए देख के मतलब दिल खुश हो गया, कुछ नई तरीके से पूजा करते हुए देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे कट रहा है प्याज चिकन के लिए, और यहाँ पे बन रही है हमारी कॉफ़ी, हम दो लोग कॉफ़ी पियेंगे या तीन लोग चाय पियेंगे, क्योंकि कॉफ़ी पी के भी अलग मजा है, चाय पीने में तो इनका बहुत मजा है ही है। रात हो चुकी है, बट सामने पे देखिए बादल कितने नीचे आ रखे हैं, घरों के जस्ट ऊपर पे बादल है और उसके ऊपर भी दोबारा बादल है। यहाँ पे चंद्रमा देखिए कितना जबरदस्त दिख रहा है। यहाँ पे हमारी खाने की ज़्यादा मत डालना, थोड़ा डालना उसको। आज मनीष बॉस बना रहे हमारा खाना, डॉक्टर साहब भी हमारे बैठे हुए हैं, हम असिस्ट कर रहे हैं, ये असिस्ट कर रहे हैं, समझ रहे ना कि कुछ इधर उधर ना हो, सर्विलेंस में भी है, दिखाओ मुझे दिखाओ, समझ रहे होंगे आप। और आज हमारे चावल जो है नए तरीके से बनने, क्योंकि हमारा कुकर एक ही है, और ये भाई साहब हमारे वैद्य आदमी हैं, इसलिए इनके बगल में बैठे हुए हैं कि ताकि दोनों चीज़ें मिक्स ना हो पाए, इसलिए बैठे हैं, वरना बैठने का कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। कल कुर्सी में बैठे हुए थे, आपने देखा होगा इनको।
जबरदस्त। तो कल रात काफ़ी अच्छी नींद है, काफ़ी आराम मिला और देखिए सुबह सनराइज होते हुए का व्यू पंचाचूली पर्वत पे कितना जबरदस्त लग रहा है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, क्या लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई ट्रिप पे नई लोकेशन के साथ में।